नमस्कार, मैं विनोद सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स न्यूज। और हम इस वक्त हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के साइना नेहवाल संस्थान में है और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर सतीश मेहता जी है। इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे मशरूम की खेती को लेकर के। सर, मशरूम की जो खेती है वो किसान भाई किस प्रकार से जो है इसकी तैयारियां कर सकते हैं? मशरूम की खेती जो है, ज़्यादातर पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारा हरियाणा का जो किसान है वो वाइट बटन मशरूम की खेती ही कर रहा है जी। और वाइट बटन मशरूम के लिए जो है किसान को सितंबर के महीने में जो है इसकी खाद बनानी शुरू करनी पड़ती है जी। और सितंबर अक्टूबर के महीने में लगभग इसकी खाद तैयार करने में लगभग एक महीने का समय लगता है जी। उसके बाद जो है, जब इसकी एक महीने के बाद इसकी खाद तैयार हो जाती है तो किसान भाई इसमें बीज मिलाता है। बीज मिलाने के बाद इसको बैग में डाल के कच्चे शेड में या पक्के शेड में उसको अंदर रखता है। और ये जो फसल है आपकी, जो बटन मशरूम की है, लगभग 3-3.5 महीने की एक फसल है जी। और इसकी पैदावार जो है लगभग 2 महीने के बाद इसकी आनी शुरू होती है और ये पैदावार लगभग 1 महीने तक ही आती रहती है। और ये एक ऐसा धंधा है जिसमें कि आपको कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपकी आपके पास कोई कच्चा पक्का कमरा है, कोई शेड है, तो आप उसमें भी जो है इसकी खेती इसको कर सकते हैं बिना खर्चा किए। इसको भूमिहीन जो किसान है वो भी इसका इसकी इसकी खेती कर सकते हैं। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि इसकी लागत जो है 50 रुपये प्रति किलो इसकी लागत आ जाती है। और इसमें ये जो मशरूम है 80 रुपये किलो से लेके 100 रुपये किलो के हिसाब से इसकी बिक भी जाती है और इसकी मार्केटिंग की कोई भी दिक्कत नहीं है आपके पूरे हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर 23,900 टन जो है, मेट्रिक टन जो है, बटन मशरूम की पैदावार होती है। और इसमें जो है ज़्यादातर जो है जो पैदावार है के होती है ये सीजनल मशरूम की होती है, सर्दी के मौसम में लगाते हैं। कि तो कुछ जो किसान भाई हैं जिनको पैसा है या जिन्होंने पूंजी लगा रखी है वो एसी प्लांट के अंदर भी जो है इसकी लगाते हैं। वैसे जैसे आपको ये बताया, इसके मेन जो रोल होता है वो टेम्परेचर का होता है और इसके और नमी का होता है। जब इसके लिए वाइट बटन मशरूम है, वाइट बटन मशरूम के लिए हमें कम टेम्परेचर चाहिए होता है, नमी ज़्यादा चाहिए होता है। जब इसका जाला फैलता है तो हमें 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती है और 90% के प्रतिशत जो है हमारे पास इसमें आर्द्रता जिसे या नमी या रेट ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। किंतु जब इसके अंदर फ्रूटिंग शुरू होती है तो उस समय जो है हमारे पास इसके जो टेम्परेचर है 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और नमी जो है वो भी 85 से 90% के बीच में होनी चाहिए। मेन तो इसमें टेम्परेचर और इसमें जो है नमी का ही रोल है जी। और दूसरा जो है ये थोड़ी सी लेबर इंटेंसिव है, लेबर थोड़ी ज़्यादा लगती है। यदि किसान भाई के पास घर के मेंबर हैं तो इसको इनके इसको आसानी से इसको लगाया जा सकता है। आप इसको जो है गेहूं के टुकड़े पे भी लगा सकते हो। गेहूं के टुकड़े टुकड़ा यदि महंगा है तो उसमें आप सरसों का टुकड़ा भी 30% तक मिला सकते हो। इसको जो धान की पराली है उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है। और इसमें जो कुछ अवयव हमें बीच में मिलाने पड़ते हैं वो आसानी से बाजार में अवेलेबल हो जाते हैं। उसमें क्या है, हमें मुर्गी की खाद मिलानी पड़ती है, हमें जो है इसका यूरिया खाद मिलाना पड़ता है, म्यूरेट और पोटाश खाद मिलानी पड़ती है, गुड़ का शीरा होता है वो मिलाना पड़ता है, गेहूं का चोकर मिलाना पड़ता है। कई बार जो है किसान भाई जो है हमारे जो बिनोले की खल होती है वो भी मिलाते हैं। ये छोटी छोटी 4-5 आइटम हैं जो खाद के अंदर तूड़े के अंदर मिला के उसको गीला करते हैं। और इसको इसमें जो पानी की जो रिक्वायरमेंट है इसमें बहुत कम है। पानी जो है आपका 1 किलो मशरूम पैदा करने के लिए आपको 25 लीटर जो है पानी की जरूरत पड़ती है। जबकि आप यदि धान का देखो, धान में आप जो है 1 किलो धान पैदा करने के लिए आपको 1500 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, किंतु एक मशरूम को पैदा करने के लिए आपको जो है सिर्फ 25 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए जो है पानी, यदि आप जिस भी पानी में आपकी खेत दूसरी सब्जियां पैदा हो रही हैं उस पानी के अंदर जो है आप इसको मशरूम को लगा सकते हैं। तो सर,
साइना नेहवाल संस्था के अंदर जो है लगातार हर महीने जो है ट्रेनिंग भी दी जाती है, तो किसानों का किस प्रकार का रुझान देखने को मिला है मशरूम की खेती को लेकर के? देखिए, हम जो है साइना नेहवाल संस्थान में हमारे अपना कुलपति महोदय जी के मार्गदर्शन में हर महीने जो है लगभग एक या दो ट्रेनिंग करवाते हैं, और इसमें हमारे पास रुझान अच्छे, मतलब ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास यहाँ पे फार्मर्स आते हैं, पंजाब से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं, तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो इसमें जो है लगभग जो है 80% जो फार्मर्स आते हैं वो सिर्फ नॉलेज के लिए आते हैं, लगभग 20% जो है फार्मर जो है वो मशरूम लगाते भी हैं, शुरू में लगाते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, फिर जो है वो बीच में कई बार वो छोड़ भी जाते हैं क्योंकि छोटे लेवल पे काम शुरू करते हैं, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, उनका घर का गुजारा नहीं होता, किंतु कई किसान जो एक बार लगा रहता है तो उसको धीरे धीरे बढ़ाता है, तो तब इसमें इसको उसको फायदा जब होता है तो कंटिन्यू भी करते हैं जी। तो सर, इसके रख रखाव की बात की जाए तो इसको रख रखाव कैसे किया जा सकता है मशरूम की? देखो, जो बटन मशरूम कोई भी है इसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि ये पेरिशेबल होती है, ये जल्दी खराब होने वाली चीज होती है, और इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको कहते हैं कि किसान जो है इसको जैसे ही तोड़े उसी समय इसको मार्केट के अंदर इसको सप्लाई कर दे ताकि इसकी जल्दी बिक्री हो जाए, और यदि बिक्री नहीं हो रही तो आप इसको जो है इसकी कैनिंग यूनिट वाले जो होते हैं, कैनिंग डब्बाबंदी वालों को, उनको भी बेच सकते हो, इसका आप इसका अचार भी बना सकते हो, और जो है वैसे भी इसको आप यदि घर के अंदर फ्रिज है या किसी कोल्ड स्टोर के अंदर है 2-3 दिन तक तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किंतु उससे ज़्यादा यदि आप उसको लो टेम्परेचर पे यदि आप मशरूम को बैग मशरूम रख देते हो तो 2-3 दिन खराब नहीं होती, किंतु उसके बाद जो है ये मशरूम कई काली पड़नी शुरू हो जाती है, फिर मार्केट में इसका दाम नहीं मिलता। तो सर, अगर किसान भाइयों की बात की जाए तो किसान भाई से कितना मुनाफा कमा सकते हैं, और इसकी जो आपने लागत भी बताई यानी कि 1 किलो में 50 रुपये का खर्चा आता है और 70 रुपये किसान भाई इसको बेच सकता है, तो मार्केटिंग की अगर बात की जाए तो क्या आसानी से ये किसान भाई इसको बेच सकता है? देखिए, मार्केटिंग की, वाइट बटर मशरूम की मार्केटिंग की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, अब जो किसान भाई को मंडी में भी बेचने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आप जो है सीधा डायरेक्ट जो है डीलर के साथ बात की, अपना कॉन्टेक्ट बना के रखो, आपने जो कैनिंग यूनिट हैं उनके साथ बना के रखो, जो अचार बनाते हैं उनके साथ बना के कॉन्टेक्ट बना के रखो, आपके फार्म से ही मशरूम के उठा लेते हैं वो, तो मशरूम जो है आपकी 80 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, 100 रुपये किलो तक इसके भाव में इसकी बिक जाती है, कई बार तो ग्लट आ जाता है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा मशरूम आ जाती है, तब इसका जो है भाव इसका 70 रुपये किलो भी हो जाता है। इसमें इसको बताया था कि आपको इसमें लगभग 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसकी लागत आती है यदि आप सीजन में कल्टीवेट करते हो, यदि आप इसी प्लांट के अंदर करोगे तो उसमें तो इनके देखो बिजली का खर्चा आएगा तो उसमें तो लागत ज़्यादा आती है, किंतु आप सीजन के अंदर यदि आप ग्रो करते हो तो इसमें लागत जो है आपकी 50 रुपये किलो के लगभग जो है आ ही जाती है, और इसको जो है आपके पास कमरा कितना बड़ा है कि उसको उसी कमरे के हिसाब से जो है आपका आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि आपके अंदर कितना जो है इसके अंदर आपकी खाद आएगी, जितने क्विंटल खाद आएगी आपको पता है 20% उसमें से आपकी पैदावार आनी है, 20 या 25%, तो उसमें आप ये निकाल दीजिए, आप पहले आपका एरिया कैलकुलेट करो, एरिया कैलकुलेट करने के बाद जो है आपका उसमें कैलकुलेटर आ जाएगा कि आपकी कितनी उसके अंदर खाद आ जाएगी, क्योंकि एक स्क्वेयर फुट के अंदर जो है 4 किलो 800 ग्राम के लगभग खाद आती है, आप अपना एरिया निकालो 4 किलो 800 ग्राम से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो इससे आपका टोटल खाद कितनी आपकी कमरे में आएगी, और उसे पैदावार मैंने आपको बता दी 20-25% उसमें पैदावार होगी, आपकी मशरूम कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी कितनी उसमें पैदावार होगी, और 80-90 रुपये किलो के हिसाब से यदि आप उसको औसत लगा के आप जो है उसको यानी कि कैलकुलेट कर सकते हो कि इसमें कितना प्रॉफिटेबल है। तो सर, इसमें पानी की मात्रा की कितनी जरूरत पड़ती है? देखो, मशरूम की जो है पानी की मात्रा यदि आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 1 किलो मशरूम पैदा करने के लिए औसतन जो है 25 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है जी। और इसके लिए जो है पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है जब आप यानी कि इस मशरूम के जो जब भूसा होता है ये जो खाद का जो भूसा होता है उसको जब गीला करते हैं तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उसके लिए पानी अच्छी क्वालिटी का पानी हम यूज़ करते हैं, किंतु जब हम यानी कि उस
कमरे के अंदर जो नमी बनाने के लिए जो हम पानी छिड़काव करते हैं वो आप चाहे हल्का पानी हो उसको भी यानी कि उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसमें वो खाद पर नहीं डालना, हमने हम उसको हमने नमी बनाने के लिए यूज करना है। तो इसमें लगभग औसतन जो है DMR ये कहता है कि 25 लीटर जो है उन्होंने कैलकुलेट किया है कि 1 किलो मशरूम पैदा करने के लिए 25 लीटर पानी। तो सर अगर बात की जाए तो यानी कि पिछली जुलाई 2023 से लेकर अब तक का तो कुछ किसानों में कुछ मशरूम की खेती के लिए कुछ रुझान बढ़ा है अब की बात? ऐसे है अब जुलाई के महीने में तो ये मशरूम नहीं लगाते जी, तो किंतु हमने जुलाई से जो है जुलाई के महीने में आज हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई, तो हमारे बड़ा मतलब एक भीड़ उमड़ के आई है ट्रेनिंग के लिए जी। तो हमें तो 30 कैंडिडेट्स के हमें एक बैच बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पर 90 कैंडिडेट्स पहुँच गए आज, मैं 3 बैच बनाए हैं, देखते हैं अब यानी कि कितने लोग इसको अडोप्ट करते हैं। लगभग जो है 10-20% जो है हमारी हमारे हिसाब से 10-20% लोग इसको फॉलो करते हैं, बाकी तो अपनी नॉलेज के लिए बात कर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सतीश मेहता जी, इनका यही कहना है कि किसान भाई जो मशरूम की जो खेती है वो लगा कर जो अच्छा खासा जो मुनाफा कमा सकते हैं, और मशरूम की भी कई तरह की जो है किस्में हैं उनमें भी अच्छा खासा जो है कमाई कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स, और इस तरह से हम आपको और भी जो है नई नई ये जानकारी जो है हासिल करवाते रहेंगे। नमस्कार।